हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी अमन शर्मा बैक अगेन विद न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज रामनवमी का पावन अवसर है, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो रहने वाली है ह्यूंडई क्रेटा ई मॉडल के ऊपर में। ह्यूंडई क्रेटा ई मॉडल के ऊपर मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी और स्टीयरिंग रिमोट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया, इसका फंक्शन, इसका इंस्टॉलेशन। आज की वीडियो रहने वाली है वायरिंग के ऊपर में, क्योंकि आप सभी को बहुत सारे डाउट्स थे कि इसको किस तरीके से लगाते हैं, क्या वायरिंग कट होती है, क्या हमारी गाड़ी की वारंटी वॉइड होती है। तो आज की वीडियो में ए टू जेड में आपको पूरा इसका क्या कनेक्शन रहता है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली बात तो अगर आप ह्यूंडई क्रेटा के अंदर में कंपनी से एसेसरी एज अ ये कंट्रोल यूनिट फिट करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं लैग मारता है, मतलब कि लैगिंग करता है, उसमें ये दिक्कत आती है। वहीं पर अगर आप आफ्टर मार्केट में इस चीज़ को करवाते हैं तो वो लैग नहीं मारता है। ये सिंपल सा फंडा ये है कि आफ्टर मार्केट में इसकी जो कपलर्स होते हैं ना, जो आपको लूम मिलती है ह्यूंडई जेन्युइन की, उसमें वायरिंग इंटरचेंज होती है जिससे ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। वहीं पर आपको अगर आप कंपनी से लगवाते हैं तो बस वो लूम और जो स्विच है वो कनेक्ट करके दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है लैग वाली प्रॉब्लम आती है आपको। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। अगर आप शोरूम से करवाते हैं इस चीज़ को तो वो जो है कहीं ना कहीं लैगिंग की प्रॉब्लम इसीलिए आती है उसमें, और अगर आप आफ्टर मार्केट में करवाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी वायरिंग इंटरचेंज होती है जिससे वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। इसी के बाद में डिसाइड आपको करना है कि कहाँ से आपको ये इसका जो है पूरा फिटमेंट करवाना है। आज की वीडियो में आपको आफ्टर मार्केट पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है, कहाँ पर वायरिंग कटती है, कहाँ पर वायरिंग इंटरचेंज होती है, सारा आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं मैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन भी आपका कवर करूंगा, क्या इसको करने के बाद में जो आपकी वारंटी है वो वॉइड होती है या नहीं होती है, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ह्यूंडई क्रेटा है और इसके अंदर में स्टीयरिंग रिमोट यहां पर लग रहा है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल की जो प्लेसमेंट है वो यहां पर हमारी होने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल ह्यूंडई जेन्युइन चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस गाड़ी के अंदर में जो स्टीरियो है वो ब्लॉपन कील आर्गो 970 है और वायरिंग वगैरह मैं आपको सारी शो करने वाला हूँ, किस तरीके की रहती हैं, इसकी जो लूम वगैरह आती हैं और किस तरीके से फिटमेंट रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन की जो मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ एक क्विक, और जो लूम वगैरह आती है वो किस तरीके से रहती है वो भी मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूंडई जेन्युइन जो रिमोट आता है स्टीयरिंग रिमोट, वो कुछ इस टाइप का रहता है। यहाँ पर आप प्राइसिंग भी देख सकते हैं 1666, और ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग के साथ आता है। ओरिजिनलिटी आप इसकी जो होलोग्राम है उससे चेकआउट कर सकते हैं और कुछ इस टाइप का आपको ये देखने को मिलता है। वहीं पर जो लूम आती है वो भी ह्यूंडई जेन्युइन रहती है, इसकी भी आप प्राइसिंग देख सकते हैं 731 है। लूम कुछ इस टाइप की रहती है, ये आप देख सकते हैं, जो कि कपलर टू कपलर फिटमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लूम और ये स्टीयरिंग रिमोट लगता है लगाने के लिए, और मैं आपको इसकी जो ओपन करके ही बता देता हूँ किस तरीके का रहता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टीयरिंग रिमोट आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, पूरा OEM फिटमेंट रहती है। यहाँ से आप इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। पीछे में आप देख सकते हैं ह्यूंडई और किया की आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है जिससे इसकी ओरिजिनलिटी आप चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको जो बटन्स मिलती है मोड की मिल जाती है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन के रॉकर्स मिल जाते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं, कॉल एक्सेप्ट कॉल रिजेक्ट का आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और जैसे जैसे फिटमेंट होती है वो आपको सारी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टीयरिंग हमने निकाल लिया है, स्टीयरिंग जो है पूरा ओपन होगा और जो हमारी लूम है और ये जो है कंट्रोल पूरा लगने वाला है। तो यहाँ पर स्टीयरिंग रिमोट हमारा प्लेस्ड हो चुका है, इसी के अंदर में जो कपलर फिटमेंट है वो हो रही है, जो स्टीयरिंग लूम आती है वो इसमें पूरी फिट हो रही है। तो वो आप देखिए चेकआउट करिए, स्टार्ट नहीं हो रही थी ना, स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही थी, वापस लेना पड़ता, वहीं से ही यूं वहीं से ही कर रहा है। तो हमारी गाड़ी के अंदर में हमने न्यू कपलर लूम इंस्टॉल कर दी और ये ओल्ड कपलर लूम थी हमारी गाड़ी के अंदर में, तो इसमें से हमें एक वायर की जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको जो है भैया निकाल रहा है यहाँ पर, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा जो है कपलर को जो लॉक्स हैं उसको निकाला जाता है जिससे वायरिंग ईजिली इसकी बाहर आ जाए, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी एक वायरिंग की हमें जो ज़रूरत है वो पड़ने वाली है, तो उसको हमने निकाल लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से वो जो है प्लेस्ड हो रही है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर स्टीयरिंग हब में जो कपलर लगता है उसमें एक प्लेसमेंट दी होती है अलग से वायर को ऐड ऑन करने के लिए, वहीं पर हम वायर को ऐड ऑन कर रहे हैं। जो EX मॉडल होता है SX ऑप्शनल में आपको यहाँ पर वायर ऐड ऑन मिलता है कंपनी के थ्रू ही, क्योंकि उसमें स्टीयरिंग रिमोट आता है। यहाँ पर हमें ई मॉडल के अंदर में स्टीयरिंग के अंदर में ही वायरिंग ऐड ऑन करनी रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी लूम वगैरह है वो मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ जिस तरीके से हमारी फिटमेंट हुई है। और ये हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम से एक वायर को लिया जाता है, तो वो भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो येलो वायर है इसको यहाँ से लेके हुए यहाँ पर स्टीयरिंग के नीचे लाया जाता है और कपलर में जो है पूरा इंसर्ट किया जाता है। और जो हमारा पैनल है वो जो है पूरा फिट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कपलर वगैरह है इसमें कपलर में थोड़ा सा चेंज होता है जो हमारी ब्लू वायर का होता है, तो ब्लू वायर को जो है थोड़ा सा चेंज करना होता है। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कपलर जो है डायरेक्टली फिट हो जाएगा। और ये जो है आप देख सकते हैं इसी के साथ में जो स्टीयरिंग है वो मैंने आपको चेकआउट करा दिया है, ये भी जो है कपलर टू कपलर फिट होने वाला है, तो वो भी मैं आपको चेकआउट करा दूँगा। और यहाँ पर जो अपनी पूरी फिटमेंट रेडी है उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखा दूँ किस तरीके से पूरा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OEM स्टाइल में ही पूरी फिटमेंट कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये लग चुका है, ये हमारा कपलर है, ये एज इट इज़ ही वहाँ पर फिट हो जाएगा जो लूम आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कपलर है वो भी यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये जो है हमारा हॉर्न का ये भी जो है फिट कर दिया है, ये हमारा एयरबैग का है तो ये भी फिट हो रहा है अपना कपलर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सिस्टम है उसमें जो है चेकिंग हो रही है अब कि किस तरीके से पूरा वर्क कर रहा है। ये आप देख सकते हैं पूरी वर्क कर रही है, देख सकते हो ये क्या जो भी केबल तरीके से वर्क कर रहा है। इसमें अंदर ग्लोब बॉक्स में छोड़ी है जो वो क्या है, चार्जिंग केबल है, वो चार्जिंग पेन ड्राइव भी लेके आना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन हमारा पूरा लग चुका है। मैं आपको इसकी परफेक्शन चेकआउट कराता हूँ। तो ये हमारा ब्लॉपंग की लार्गो 970 है जिसके अंदर में पूरा फिट हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको बूट होने देते हैं ब्लॉपंग की लार्गो को और कपलर टू कपलर पूरी फिटमेंट करिए। यहाँ पर मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं चैनल को तो नेक्स्ट हो रहा है यहाँ पर, और इसी के साथ में प्रीवियस करूँगा तो ये प्रीवियस में जा रहा है नेक्स्ट और ये प्रीवियस। इसी के साथ में वॉल्यूम अप, म्यूट का ऑप्शन, वॉल्यूम डाउन, तो ये है। इसी के साथ में मोड्स आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हो आप डिफरेंट मोड्स पे ये जो है स्विच हो जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ में अगर आपका ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट रहेगा तो कॉल एक्सेप्ट भी आप कर सकते हैं और कॉल रिजेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है और आप इस चीज़ को ई मॉडल के अंदर ईजिली करवा सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो है कपलर टू कपलर फिटमेंट के साथ हो जाता है, कोई भी इसमें वायरिंग वगैरह कट नहीं होती है। वायरिंग जो होती है वो इंटरचेंज ज़रूर होती है, तो ये चीज़ मैंने आपके लिए बता दी है और पूरा आपको जेन्युइन में बताया किस तरीके से 3 वायरिंग जो है इसमें इंटरचेंज होती हैं और ये आपका जो है पूरा फिट हो जाता है। अब एट द एंड आ जाते हैं, अगर आपने क्रेटा के अंदर में पूरा गाड़ी के अंदर में वर्क करवाया, स्टीयरिंग रिमोट लगवाया, तो ऑफ कोर्स ही बात है सिस्टम लगवाया होगा, सिस्टम के साथ में जो क्रूज कंट्रोल है वो भी लगने लगा है तो वो भी लगवाया होगा, स्पीकर्स लगवाए होंगे, सब कुछ करवाया होगा। तो अगर आपकी गाड़ी का खुदा ना खास्ता कल को एक्सीडेंट हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो यही बोलेगी कि आपने ये चीज़ करवाई तो इससे ये हुआ है, क्योंकि कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो यही करती हैं। और ये होता भी है क्योंकि आपको जिस तरीके से गाड़ी मिली है आप उसी तरीके से रखिए, एलॉय तक आप इस गाड़ी के अंदर में चेंज नहीं करवा सकते हैं। अगर कंपनी की पॉलिसीज़ पे जाएं कि आपने एलॉय 15 से लेके तो 18 में 1920 में क्यों अपग्रेड करें, इस गाड़ी के अंदर में जो इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, इसके कारण एक्सीडेंट हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं और आपको गुमराह कर सकते हैं इस चीज़ पर।
बट अगर हम स्टीयरिंग रिमोट की बात करें तो इसको अगर हम देखें तो जो वायरिंग है उसको इंटरचेंज किया, कपलर्स को बिल्कुल भी नहीं छुआ है। तो कंपनी की अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी की देखें तो वो इसको वारंटी वॉइड के पैरामीटर में ले सकती है। जी हाँ, 50-50% चांसेस रहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है ज़ीरो डेप्थ ना देने का एक बहाना उसको यही रहेगा कि आपने इसमें ये लगवा लिया, वो लगवा लिया, इससे इसका ये एक्टिवेट नहीं हुआ, ये सेंसर एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इससे ये हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट मैं आपको एक प्लस पॉइंट जो कि बताना चाहता हूँ वो यही है कि हमेशा जब भी आप कभी भी इंश्योरेंस क्लेम करें, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है क्रेटा बेस मॉडल लेके आप स्पीकर नहीं लगवाएंगे गाड़ी के अंदर में, सिस्टम नहीं लगवाएंगे, इंफोटेनमेंट नहीं लगवाएंगे, सब चीज़ें आप लगवाएंगे। और अभी भी अगर कोई भी वायरिंग वगैरह होती है, कोई भी एसेसरी पार्ट्स वाला ये वायरिंग वगैरह करता है तो वो अपना कपलर इंसर्ट करता है और उसमें वायरिंग वगैरह कट करता है, तो उसको एक प्लस पॉइंट रहता है कि हमने गाड़ी की वायरिंग को नहीं छुआ है, सिर्फ हमने हमारा कपलर लगाया और उसमें हमने वायरिंग कटिंग करके जो है पूरा आपका सिस्टम एड ऑन किया है, तो वो प्लस पॉइंट रहता है। इसी के साथ में कभी भी अगर ऐसा हो जाता है आपके साथ में बाय चांस, तो जो भी आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है या जो भी आपके स्पीकर्स हैं, जैसे बेस ट्यूब वगैरह आप रखवा लेते हैं अपनी गाड़ी के अंदर में, तो वो आप निकलवा लें गाड़ी, उसके बाद आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम के लिए उस गाड़ी को दें। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप इंश्योरेंस वगैरह अगर क्लेम करें तो थोड़ा सा रूड बिहेवियर रखें, मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें, ज़्यादा रूड रहने की ज़रूरत नहीं है, बट स्ट्रिक्ट रहें कि मेरा ये काम आपको करके देना है इतने टाइम तक, तो वो थोड़ा सा उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा कि हाँ इनको काम करके देना है और इनकी गाड़ी में सबसे अच्छा काम करके देना है, अगर ऐसा हो गया है और इनको दिक्कत ना आए, नहीं तो आगे बात बिगड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इस मामले में, और अगर आपके बैक एंड में कोई बहुत ही अच्छा सपोर्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आपका काम इजीली हो जाता है। इसी के साथ में आई होप आपको वीडियो में एंड टू एंड बड़ी वाली इन्फॉर्मेशन मेरी ओर से मिली होगी। इसी के साथ आपको वीडियो करना है लाइक, वीडियो करना है शेयर, कमेंट करना है अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, यूजर नेम आपको ऑन स्क्रीन नजर आ जाएगा एंड लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।